This is the class of general ledger, and the ledger's another name is T account, and we call it T account because of its structure, because we have or we will be making our one T, which is bigger in size, and that T is having two sides, the debitor side and the creditor side of the ledger. ठीक है, हम एक टी अकाउंट बनाते हैं जिसका एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है. वी आर मेकिंग दिस टी अकाउंट और द लेजर फ्रॉम द जर्नल. जर्नल हमारे स्टेप्स क्या होते हैं बेटे? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, देन जर्नल जर्नल, एंड देन जर्नल लेजर. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ हाउ वी आर फॉर्मिंग द जर्नल लेजर. हमारे पास सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन होती हैं अकाउंटिंग में, देन हम उससे उन ट्रांजेक्शन से जनरल जनरल बनाते हैं, और जनरल जनरल से जनरल लेजर बनाते हैं, एंड आफ्टर लेजर वी विल बी प्रैक्टिसिंग ट्रायल बैलेंस. ठीक है, सो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूंगी. आई वांट लाइक कंप्लीट पार्टिसिपेशन ऑफ योर एनर्जीज एंड योर स्ट्रेंथ. काइंडली कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद यू, योर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंटिंग विद यू, एंड योर कैलकुलेटर्स. ओके, so that you people can be capable enough. In the board examination, calculators are allowed for the accounting students. Clear? Yes, I proceed. We have done the general journal of this question, and this question is Zia started his business with cash investment. ठीक है, आप लोगों ने अपने examination perspective से वो तमाम question जिसके आपने general journal, ठीक है, आपने अटेम्प्ट किए हैं, या वो तमाम क्वेश्चन जिसके आपने जनरल जनरल फॉर्म किए हुए हैं. क्लियर, तो उन तमाम क्वेश्चंस के जिसके जनरल जनरल उन्होंने फॉर्म किए हैं, आप इन सारे टी अकाउंट्स, यानी इन तमाम जनरल जनरल के आप टी अकाउंट्स फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13, जो कि क्वेश्चन आपका जनरल जनरल का है. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप इस जनरल जनरल के क्वेश्चंस के मुझे लेजर फॉर्म करके दिखाएं, टी अकाउंट फॉर्म करें, तो मैं आपसे रेंडमली टी अकाउंट्स पूछूंगी, और अभी आपने एज इन अ रैप अप एक्टिविटी मुझे टी अकाउंट्स फॉर्म करके दिखाने हैं. आई एम आस्किंग यू टू प्रिपेयर द फर्स्ट टी अकाउंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंस. माय क्वेश्चन इज टू प्रिपेयर द फर्स्ट टी अकाउंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंस. यस गर्ल्स, नाउ स्टार्ट वर्किंग टू फॉर्म द टी अकाउंट एंड द लेजर. माय स्टूडेंट्स, प्लीज काइंडली फॉलो माय वर्ड्स. यू हैव टू प्रिपेयर वन टी अकाउंट which is little bit bigger T. It has in two sides, the debited side and the credited side. और आपने salaries expense का T account अभी बनाना है. Yes, please start preparing. This is the question, exam question number 13, in which we have discussed the general journal, and I request you to ask for the T accounts. First of all, we have done the T account for the, you can say, even consultation fee income. ठीक है, हमने consultation service income का T account discuss किया, जिसमें March 16 and March 31st की दोनों अमाउंट, यानी मार्च 16 की अमाउंट है 8250, यू कैन सी ओवर हियर, एंड देन ऑन मार्च 31st द अमाउंट इज 9300. वट एवर द अमाउंट टोटलिंग, यानी 17550 विल बी योर क्रेडिटेड साइड, एंड देन ऑन द टी अकाउंट यू हैव टू डू द ब्रॉड डाउन ऑफ द सेम रेवेन्यू. ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू है, आपने 3600 को, सॉरी 8250 को और 9300 को अपने क्रेडिटेड साइड पे रिकॉर्ड किया है, तो डेफिनेटली इसका बैलेंस सीधी आपके पास डेबिटेड साइड पे आएगा. देन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सिंपली सैलरीज एक्सपेंस का. सैलरीज एक्सपेंस की कोई और रिकॉर्डिंग इस वक्त नहीं है. आप जब इसका टी अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास सैलरीज एक्सपेंस डेबिटेड साइड पे आएगा 3600. क्रेडिटेड साइड पे बेटे कोई और अमाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो बैलेंस सीडी में, यानी कैरी डाउन में आप लिखेंगे सेम 3600, और सीडी के अपोजिट साइड पे बीडी कर दीजिएगा. ठीक है, सेम यही डीलिंग कैपिटल के अकाउंट के साथ भी होगी. कैपिटल का जब टी अकाउंट बनेगा तो आप लोग सिंपली उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने क्रेडिटेड साइड पे 25,000 को, और इसका बैलेंस सीडी चला जाएगा डेबिटेड साइड पे. ठीक है, ये आपके मेन कंटेंट है और मेन एसेंस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर लेजर. इंशाल्लाह इन द टुडेज क्लास हम काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. ये जो भी आपने थ्री टी अकाउंट्स बनाए, ये आपका पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग है. कीप योर प्रैक्टिसिंग हाई. ओके, दिस इज एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13. यू हैव टू डू दिस इन योर होम रजिस्टर्स, देन एंड प्रोसीड फर्दर.
we have done this question before. Write the transition of the following. हमने इससे पहले अपनी क्लास प्रैक्टिस में एग्जाम क्वेश्चन नंबर 26 अटेम्प्ट किया था और इसमें आप लोगों ने इस जर्नल जर्नल को देख के इसकी ट्रांजिक्शन फॉर्म करी थी. मैंने करंटली यही जर्नल जर्नल पिक किया है और मेरी आप लोगों से जो अगेन रिक्वेस्ट होगी वो होगा एक लेजर बनाने का. यहाँ पे आप लोग लेजर बनाएंगे बैंक का, ठीक है. यू हैव टू प्रिपेयर द टी अकाउंट ऑफ बैंक ओवर हियर, ठीक है, एंड सेल्स टी अकाउंट. यू हैव टू प्रिपेयर द टू टी अकाउंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. नंबर वन इज बैंक एंड नंबर टू इज योर सेल्स. मैं बैंक के टी अकाउंट को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि हमने एक टी अकाउंट पे किस तरह बैंक की वैल्यू डेबिट पे रिकॉर्ड करनी है और फिर उसका सीडी क्या होगा और बीडी क्या होगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग टूवर्ड्स योर पार्टिसिपेशन सेक्शन. यू हैव टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट बाय योरसेल्फ. We have this question and from this question we have prepared the T accounts of two accounts. Number one of sales. We have done the T account for the sales. Sales ki nature revenue hai. Aur revenue jab bhi increase hota hai credited side pe jata hai. Yahan pe aapki sales ki amount di hui hai 20,000 credited. Aapne ek T account banana hai aur uske credit side pe 20,000 likhna hai simply. सेल्स की कोई और अमाउंट आपके पास गिवन नहीं है इसका, इसलिए इसका बैलेंस सीडी 20,000 आएगा. क्लियर. नेक्स्ट टी अकाउंट हमने बेटा फॉर्म किया है बैंक का. जब हम बैंक का टी अकाउंट बनाएंगे, आपने टी अकाउंट बनाना है अगेन उसके दो साइड हैं डेबिट और क्रेडिट. सेंटर में आपने लिखना है बैंक और बैंक की वैल्यूज जनवरी 5 की. मैं यहाँ पे कर्सर मूव करती हूँ. जनवरी 5 में बैंक हमारे पास है 10,000. Then we have January 10 bank again 10,000 and January 12 bank credited 5,000. इसका मतलब जब हम टी अकाउंट बनाएंगे तो डेबिटेड साइड पे हमारे ये दो वैल्यूज आएंगी 10,000 एंड 10,000 एंड क्रेडिटेड साइड पे आपकी बैंक की ये वाली वैल्यू जाएगी 5,000. यहाँ पर हम हाथ में पेंसिल लेंगे और डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल निकालेंगे. टॉप पे हमने डेबिट साइड पे पेंसिल से लिखना है 20,000, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे आप पेंसिल से लिखिएगा 5,000. फिर आप दिस बैलेंस सीडी निकालने के लिए डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे और आपके पास डिफरेंस की अमाउंट आ जाएगी 15,000, ठीक है. वो बैलेंस सीडी होगा. जिस अमाउंट को सीडी करते हैं सेम अमाउंट को हम बैलेंस बीडी भी करते हैं. क्लोजिंग की जो वैल्यूज होती है जिसके नीचे हम डबल लाइन लगाते हैं वो हमेशा हमारी बिगेस्ट वैल्यू होती है. जो हमने पेंसिल से ऊपर दो वैल्यूज लिखी है ना 20,000 और 5,000, उसमें से जो बिगेस्ट वैल्यू है वो डेफिनेटली हमारे पास 20,000 है. क्लोजिंग हमेशा बिगेस्ट वैल्यू से होती है, ठीक है. अगर डेबिट साइड की वैल्यू आपको बड़ी लग रही है तो उसी अमाउंट से क्लोज कीजिएगा. क्रेडिट साइड की वैल्यू अगर आपको बिगेस्ट वैल्यू लग रही है तो उसी अमाउंट से दोनों साइड्स को क्लोज कीजिएगा. ओके, नाउ आई प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. We have this exam question number 17 on book page number 52. This is the question in which we have already prepared from the transactions. हमने transaction को देख के बेटे general journal form किया था, ठीक है. अब इस general journal के आपको T accounts form करने हैं. This is the home task. Exam question number 17 you have to do in your home task questions. ये आपको अपने home task में करने हैं. You have to prepare the T accounts. आपके पास कितने T accounts बनेंगे उसकी calculations हम कैसे करते हैं. हम हमेशा इन T accounts पे numbering करते हैं. जैसे एक cash का बनेगा number 1, 2, 3, 4, then number 5, 6, 7, 8, 9. हमारे पास इसमें भी 9 टी अकाउंट्स बनेंगे. अगेन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक पेपर पे बहुत सारे टी अकाउंट्स बनाइए और टी अकाउंट्स के काफ़ी सारे फोटो सेट्स करा के अपने पास रखें ताकि आपके लेजर्स की और टी अकाउंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके. डोंट वेस्ट योर टाइम एवरी टाइम इन मेकिंग द बिगेस्ट टी अकाउंट्स, बट काइंडली डू इट फॉर योर प्रैक्टिसिंग. कि आपने उस पेपर की जिसपे आपने बहुत सारे टी अकाउंट्स बनाए हैं उसकी 30-40 कॉपीज करवा लीजिए सो दैट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली. यू हैव टू डू एग्जाम क्वेश्चन नंबर 17. दिस इज ऑन बुक पेज नंबर 52. दिस इज योर होम टास्क एंड फॉर दिस क्वेश्चन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू राइट नाउ इन द क्लास प्रिपेयर द टी अकाउंट्स ऑफ अकाउंट रिसीवेबल राइट नाउ विद मी. व्हाट वी हैव टू डू, वी विल प्रिपेयर वन टी अकाउंट of account receivable which have two side, the debited side and the credited side. Yes, first I want you people, then I will discuss with you.
From this question, question number 17, we have discussed the T account of account receivable. जब account receivable का T account बनाएंगे तो इसके debited side पे बेटे 15,000 आएगा, credited side जो कि 20 January को है वो 1,000 mention है, balance CD आपके पास 14,000 आएगा, ठीक है? Yes, sir. Then we have question number 1 on book page number 78. Wait for a while. Yes, we have question number 1 on book page number 78. ये question मैंने आप लोगों के साथ video में discuss किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम ledger किस तरह form करते हैं, ठीक है, और हमारे पास कितने ledgers बनते हैं. दोबारा से इस question की तरफ देख लीजिए, आप लोगों ने कितने T accounts बनाने होते हैं. सबसे पहले T account बनाने से पहले आप अपने journal पे numbering करते हैं, ताकि आपको ये पता हो कि T account कितने बनने हैं. और एक बार याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बड़ा जो टी अकाउंट बनता है वो मोस्टली कैश का बनता है. बाकी आप जनरल में नोटिफाई कर लिया करें कि हमारे पास जो बिगेस्ट बनेंगे वो एक कैश का बन जाएगा, या किसी की वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है तो उसका टी अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनता है, जिसमें हम ज्यादा वैल्यूज लिखते हैं. बाकी टी अकाउंट थोड़े छोटे बनते हैं, ठीक है. ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा. ये जो बेसिकली क्वेश्चन इस वक्त मैं आपको शो कर रही हूँ, ये आपका जर्नल है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बुक पेज नंबर 78, इसमें इसकी जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो काइंडली हमारे पास 90 अकाउंट्स बनेंगे, और इसको भी एज एन होम असाइनमेंट अपने पास नोट डाउन कर लें. टी अकाउंट किस फॉर्म में होते हैं, अच्छा ये देखिएगा. एक पेज पे इन्होंने इस वक्त जो आप लोगों को बनाए हुए टी अकाउंट, ये फॉर्मेट आपकी बुक में नजर आएगा. मैं इस फॉर्मेट को आपको फॉलो नहीं करा रही हूँ. मैं आपको डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस लिखने को नहीं कहती हूँ. मैं आपसे सिर्फ सिंपली डेट और अमाउंट लिखने को नोटिफाई करा रही होती हूँ, क्लियर. देन अगेन वी हैव एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 ऑन बुक पेज नंबर 83. हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये आपकी बुक में है, बुक पेज नंबर 83 पे, ठीक है. ये आपके पास इसका जनरल फॉर्म हुआ हुआ है. यहाँ पे कैश है, कैपिटल्स हैं. सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग कीजिएगा, ठीक है. ये आपके पास लेजर का फॉर्मेट है, जो कि मैं आप लोगों के साथ सबसे ज्यादा डिस्कस करती हूँ. इसके फॉर्मेट पे देखिएगा बेटे क्या है. मेन सेंटर ऑफ द टी अकाउंट हमने टाइटल लिखना है, जिसका हम टी अकाउंट बना रहे होते हैं करंटली, ठीक है. एंड देन वी हैव टू राइट इट डाउन द डेबिट एंड क्रेडिट ऑन बोथ द कॉर्नर्स, बोथ द साइड्स, ठीक है. यहाँ आपके पास डेट आएगी, टॉप पे आपने ईयर लिखना है, देन मंथ, और फिर जिस डेट पे हमने जो अमाउंट लिखी है आपने उसको फॉलो अप करना है. काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. मुझे आप लोगों के रजिस्टर्स में और होम टास्क में ये वाला फॉर्मेट चाहिए, ठीक है. तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो अप में कीजिएगा. देन आपने क्या करना है, जब इसकी जर्नल एंट्री से लेजर में रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो पेंसिल्स हाथ में लेके दोनों की डेबिट और क्रेडिट साइड पे टोटलिंग कीजिएगा, और बैलेंस सीडी की अमाउंट निकालीजिएगा. बैलेंस सीडी की जो अमाउंट होती है बेटा, वो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करते हैं तो डिफरेंस की अमाउंट आ जाती है. या अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू क्रेडिट लग रही है तो क्रेडिट में से डेबिट को भी माइनस कर सकते हैं. बेसिकली बैलेंस सीडी हमारी डिफरेंस की अमाउंट होती है, डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, ठीक है. अच्छा जी, देन जिस अमाउंट को हम सीडी करते हैं, जैसे जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगी 79930, सेम अमाउंट को आप बैलेंस बीडी करेंगे बट अपोजिट साइड पे, ठीक है. जब हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्लोज करते वक्त यहाँ पे डबल लाइन आती है, ठीक है. तो ये फर्स्ट लाइन सिंगल होती है, जिसको क्लोज करते हैं वो डबल लाइन होती है. इट मीन्स इस वक्त आप अपने कैश के अकाउंट को इक्वलाइज करके फाइनल कर रहे हैं, आप इसको टोटलिंग करके बैलेंस शो कर रहे हैं कि आपका डेबिट और क्रेडिट नाउ दे बिकम द इक्वलाइज, ठीक है. ये आपका मेन फॉर्मेट है ऑफ जर्नल का. These are the questions for your home task. Question number 1, 2, 3, and 5, और plus 2 questions जो मैंने आप लोगों को इससे पहले अभी शो किए थे. Now you have to do these questions for your home practicing. And if you have further queries, you can ask me, or you can email your queries to me. Plus one thing more, कि अगर आप लोगों को कोई ऐसी queries आती हैं जो कि questions के solutions में आ रही हैं, you can ask on the group. Plus, I will discuss the difficulties if you are asking me. जो भी आपकी problems हैं वो आप मुझे बताइए,
और वो डिफिकल्टीज में क्लास में सबके साथ डिस्कस करूंगी. क्लियर? काइंडली इनको नोटिफाई कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 5 प्लस आई विल मूव बैक. वेट फॉर अ व्हाइल. This is your home task you have to do, and if you have you are feeling further queries and problems, you can ask me. Thank you so much.